नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इंदौर और धार के कुशी में रोड शो करेंगे। शाह कुशी में वीरेंद्र सिंह बघेल तो इंदौर विधानसभा 3 से भाजपा प्रत्याशी आकाश विजयवर्गीय के लिए वोट मांगेंगे। इंदौर में रोड शो दोपहर 3 बजे चिमन बाग से शुरू होगा, जो खातीपुरा रिवर साइड रोड होते हुए शाम 5 बजे प्रचार थमते ही 3 नंबर के ही किसी हिस्से में खत्म होगा। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में व्यस्त भाजपा अध्यक्ष अमित शाह रविवार देर रात कुछ समय के लिए इंदौर की सराफा चौपाटी पहुंचे। वे सराफा थाने के ठीक सामने प्रकाश मोदी की चाय की दुकान के ओटले पर बैठे। उन्होंने यहीं सराफा के बारे में जानकारी ली और रबड़ी भुट्टे का केस, कुल्फी और अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर भीड़ ने हमला बोल दिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक कुंवर कोठार दूसरी गाड़ी के अंदर थे। पथराव से बचने के लिए उन्हें गाड़ी से उतरकर एक घर में शरण लेना पड़ी। वह प्रचार के लिए बिगनोदीपुरा गए थे, जहां पहुंचते ही पुलिया पर ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और हमला कर दिया। बुरहानपुर में बिना स्टार प्रचारक नेता और अभिनेता के निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह की सभा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार किसी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखा गया। इकबाल चौक में चारों ओर जो हुजूम उमड़ा था, उसे देखकर अब भाजपा और कांग्रेस को नए समीकरण बनाने पर सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे दद्दा, ओ कहाँ जाना है? हाँ इधर इधर। हाँ आओ आओ, कहाँ जाना है आपको? दद्दा कहाँ जाना है? बेटा मुझे मध्य प्रदेश जाना है। अरे दद्दा, मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में ही तो हो। बेटा मुझे ये विज्ञापन वाले मध्य प्रदेश में जाना है, जहाँ सड़कें अमेरिका से ज्यादा अच्छी हैं, जहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जहाँ किसानों की आय दोगुनी हो गई है, जहाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। अरे दद्दा, पिछले 15 सालों से भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे विज्ञापनों तक सिमट के रह गए हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। तो फिर चलो इस बार विज्ञापन वाली भाजपा सरकार को ही बदल देते। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।